हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो में बताने वाले इस टाइप का जो ट्रेनिंग वीडियो एडिटिंग है, आप भी इस टाइप का ट्रेनिंग वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो मेरे वीडियो पर एंड तक बने रहे, और साथ ही हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ओके, तो गाइस, इस वीडियो को बनाने के लिए आपको एलर्ट मोशन का जरूरत पड़ेगा। आपके पास एलर्ट मोशन प्रो वाला है, नहीं तो मेरे लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन, वो वाला एलर्ट मोशन आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद आपको जो प्रेजेंटली आपको दो मिल जाए डिस्क्रिप्शन, वो वाला आपको इनपुट कर लेना। कैसे इनपुट करना नहीं पता तो ऑलरेडी वो वाला टॉपिक का एक वीडियो बना कर रख लिया है, वो वाला वीडियो आप देख सकते हो। तो चलो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले आपको क्या करना है, ऐसे आपको प्रोजेक्ट में आ जाना है। यहाँ से आपको क्या करना, पहले आपको प्लस में चले जाना। ओके, उसके बाद आपको 9:16 सेलेक्ट करके आपको क्रिएट प्रोजेक्ट कर लेना है। यहाँ से आपका फोटो जो इस साइज का आपको सेव कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ऐसे आपको प्लस में चले जाना है और अपना फोल्डर जो आप सेलेक्ट कर सकते हो, कहाँ पर अपना फोटो है वो वाला फोटो आप फोल्डर सेलेक्ट कर लेना। ओके ओके, ऐसे आपको थोड़ा टाइम ऐसे टच कर लेना, कोई जो भी आप फोटो लेना चाहते हो ले सकते हो ऐसे। ओके, तो मैं 8-10 फोटो आपको दिखा रहा हूँ आपको ऐड करके। ओके, ऐसे आपको ऐड कर लेना है सिंपली। ओके, इसके बाद आपको ए वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर टच कर लेना है। ओके, यहाँ से आपको क्या करना, स्टार्ट ऊपर में चले आना है, ए वाला फोटो में टच करके ऐसे आपको फिल कंप्रेशन एरिया कर लेना है, ऐसा आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, वाला फोटो टच सॉरी यहाँ पर जाकर आपको करंट PNG में आपको सेव कर लेना है। ऐसे करके जितना भी फोटो आपके पास है बनाना, 8-10 फोटो जितना भी वीडियो में रहेगा सारे फोटो आपको बना लेना है। उसके बाद ए वाला जो फोटो है आपको डिलीट कर लेना है। फिर से आपको ऊपर वाला फोटो टच करके ऐसे आपको 3 लाइन में जाकर फिल कंप्रेशन एरिया कर लेना है। इसको थोड़ा जूम करना है तो ऐसे आप जूम कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो। ओके, उसके बाद आपको यहाँ जाकर करंट फ्रेम PNG में आपको सेव कर लेना है। ओके, ऐसे करके जितने आपके पास फोटो है सारे फोटो का ऐसे बना लेना, मैं ऑलरेडी तो बना कर रख लिया हूँ। ओके ओके, मैंने सारे फोटो को बना लिया, उसके बाद सेव कर लेंगे, उसे बैग जाएंगे। देखो मैंने सारे फोटो बना लिया, उसके बाद डिलीट कर लेंगे। ओके, ये वाला प्रोजेक्ट आपको डिलीट कर लेना है, इसका कोई काम नहीं। उसके बाद आपको क्या करना है, ऐसे आपको बिडमार पर चले जाना। ओके, यहाँ आपको बिडमार ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आपको फोटो ऐड करना है। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, प्लस में चले जाना है, मीडिया में जाना है, और जो अभी जो एक्सपोर्ट किए थे फोटो सेव किए थे वो आप फोल्डर में चले जाएंगे, एलर्ट मोशन में होगा। ओके, यहाँ से आपको क्या करना है, ऐसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, ऐसे आपको नेक्स्ट यहाँ से चले जाना है और ए वाला ऑप्शन टच कर लेना है। ओके, यहाँ से आपको जितना बिडमार है सारे बिडमार को आपको फोटो ऐड कर लेना है ऐसे। ओके, यहाँ से चले जाना है, मीडिया में चले जाना है और जूम कर लेंगे ऐसे, एक एक करके आपको सारे फोटो ए वाला जो आपको कट कर लेना है। फिर से आपको बैग जाना है, मीडिया में जाना है और ऐसे आपको एक एक करके सेव कर लेना। ओके, उसके बाद नेक्स्ट कर लेंगे। ओके, फिर से आपको ऐड कर लेना है, ऐसे करके आपको ऐड कर लेना है। जितना भी आपको फोटो लगेगा 8-10 जितना फोटो लगेगा आपको सारे फोटो आपको ऐड कर लेना है। ओके, तो मैं ऐड कर लेता हूँ। ओके, और एक फोटो है ऐड करना, मैं ऐड कर लेता हूँ। ओके, ऐसे करके आपको ऐड कर लेना है, देखो हो गया। उसके बाद आपको नेक्स्ट करके ये वाला कट कर लेना। ओके, यहाँ से आपको क्या करना है, बैग आ जाना है सिंपली। उसके बाद आपको क्या करना है, इफेक्ट में चले जाना है। पहला वाला इफेक्ट जो यहाँ पर है देखो, ये वाला 2 नंबर इफेक्ट है। ओके, पहला वाला इफेक्ट टच करना है, इफेक्ट में जाना है। यहाँ से आपको क्या करना, कॉपी जो इफेक्ट कर लेना। ओके, उसके बाद खूब बैग जाना है और बिडमार पर चले जाना है, और पहला वाला जो बड़ा वीडियो जो है यहाँ पर, ओके, बड़ा वाला फोटो जो है यहाँ पर जाकर आपको पेस्ट कर लेना। ओके, पेस्ट करने से ऐसा आएगा, देखो ऐसा आएगा। यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको 2 नंबर सारे आग लगेगा। ओके, उसके बाद बैग जाना है और इफेक्ट में जाएंगे और ऐसा लास्ट का आ जाना है। यहाँ पर आपको 2 नंबर इफेक्ट मिल जाएगा, ये वाला आपको टच करके इफेक्ट में चले आना है। यहाँ से आपको क्या करना है, कॉपी इफेक्ट कर लेना है। ओके, उसके बाद आपको क्या आना है, बिडमार्क प्रोजेक्ट में आ जाना है, यहाँ से सारे फोटो में वो वाला इफेक्ट लगा लेंगे। ओके, ऐसे आपको फोटो में टच कर लेना है, इफेक्ट में चले आना है, ये वाला जाकर आपको पेस्ट कर लेना है। ओके, थोड़ा कुछ आगे चले आना है, ये वाला फोटो में टच कर लेंगे, इफेक्ट में जाएंगे, ऐसे पेस्ट कर लेना है। ओके, ऐसे करके आपको सारे फोटो में जितना भी फोटो लगा है सारे फोटो में आप पेस्ट कर लेना है। ओके, ऐसे फोटो में टच कर लेना, इफेक्ट में जाएंगे और पेस्ट कर लेंगे। ओके, ऐसे फोटो में टच करके इफेक्ट में जाएंगे और पेस्ट कर लेंगे। ओके, देखो सारे फोटो में मैंने कर लिया है, ऐसे आप कर लेना है। ओके ओके, मैंने सारे फोटो को कर लिया है। आप इसका कलर जो अलग अलग आ रहा है, देखो कलर जो HDR जैसा आ रहा है, आप उसका चेंज करना चाहो चेंज कर सकते हो। देखो यहाँ पर जाना है, इफेक्ट में जाना है, जो यहाँ पर आपको ये वाला ऑप्शन ऑफ कर लेना है, एक
कलर चैनल जो रैम्पर का जो है आरजीबी का, ये वाला आपको ऑफ कर लेना है। नीचे भी आपको आरजीबी का मिल जाएगा, देखो चैनल रैम्पर जो आप आरजीबी का मिल जाएगा, ये वाला ऑफ कर दोगे तो आपको कलर सही से आ जाएगा। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, ऐसे सारे फोटो चेंज करके फोटो लगाना है, उसके बाद आपको यहाँ जाकर वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। ओके सो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देना है और सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो पर प्यारा सा कमेंट कर देना है। तो ठीक है, मिलते हैं ऐसे ही न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।